पठानकोट की गोपाल धाम गौशाला में गौ सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष विजय पासी की अगुवाई में एक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें डीसी पठानकोट सयम अग्रवाल विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने गोपाल धाम गौशाला द्वारा बीमार एवं घायल गऊओं को गौशाला में लाने के लिए लाई गई एलिवेटेड गाड़ी का शुभारंभ किया गया। इस मौके जानकारी देते हुए अध्यक्ष विजय पासी ने बताया है कि शहर में अक्सर दुर्घटना एवं बीमार होने की वजह से चलने फिरने में लाचार होकर गायें सड़क किनारे व अन्य क्षेत्रों में बैठी होती हैं, जिन्हें अब इस एलिवेटेड गाड़ी द्वारा गौशाला लाया जाएगा और इनका इलाज किया जाएगा। इस मौके डीसी सयम अग्रवाल द्वारा गौशाला द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। स्ट्रे कैटल जिदा सानू सारे नू पता है एक बहुत वड्डी समस्या हैगी पूरे पंजाब दे विच ते पठानकोट शहर और ज़िले दे विच भी। ते असी अक्सर देखते हैं कि सड़कां दे उत्ते कई स्ट्रे कैटल या कई गवां जिन्हां नू इंजरी हो जाती है या इवन डैथ हो जाती है, तो उन्होंने फड़ के लैके जाना एक बहुत ही वड्डा उपराला बड़ा मुश्किल काम हुंदा हैगा। तो अज गोपाल गोधाम गौशाला वालों एक हाइड्रोलिक गड्डी डिज़ाइन की गई है जो स्पेसिफिकली गऊआ नू फड़ के उन्होंने अगे लेके जाने वास्ते बनाई गई है। तो एक काफ़ी यतन करके और वधिया तरीके नाल ये बनाई गई है। तो मैनू आस है कि यह गड्डी इस शहर विच जड़ी अपनी गऊ माता है उन्होंने लेके आन जान दे विच पूरा सहयोग देगी। तो शहर दे विच जड़ी स्ट्रे कैटल की समस्या है असी उसते ठल पा सका। अज गोपाल धाम गौशाला डीसी पठानकोट मिस्टर अग्रवाल जी आए हैं। मैं गौ सेवा समिति के सारे मैंबरस वालों इन्हों का इतने आने बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिदा तुम जानते हो कि पठानकोट के जी गऊ माता वगैरह फटड़ हो जाती है जिन्हें एक्सीडेंट न डैथ हो जाती है उन्होंने उठाना बड़ा मुश्किल है। साढ़े तीन मैंबर मनमोहन काला जी, गरीब दास जी, तो नवल जी, इन्होंने मेहनत की है। इन्ह की मेहनत के सदके एक अच्छी गड्डी बनाई है जी कि पठानकोट शहर के कोई भी गऊ माता जो फटड़ हुई होगी या जिसकी डैथ हुई होगी उन्होंने उठा सकेगी। मैं इन्ह तिना मैंबरस न जिन्होंने इनसेंटिव लिता और सारे लोगों के सहयोग न ये जी बनाई है, मैं इन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। और असी डीसी साहब न अपनी प्रॉब्लम भी दसी है कि साढ़े को जगह की सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, 300 सवा 300 गऊ है। सरकार वालों सानू किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। असी लोगों के घरों घरों पैसे इकट्ठे करके जोड़ा कि साढ़ा 4 सवा 4 लाख रुपए का खर्चा असं कर रहे हैं। गोबर सुटने की सानू प्रॉब्लम है, जिस वेले 2 दिन बाद सानू JCB लिया के गोबर सुटाना पैंदा। तो डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने सानू भरोसा दिलाया कि मैं थोड़े जोड़े मसले है टॉप प्रियोरिटी हल करूँ। एक बार फिर डीसी साहब ने सानू इन्ना टाइम दिता, असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय गौ माता दी। अज बहुत ही खुशी का दिन है कि पठानकोट जिले च गुरदासपुर जिले च गौ माता सड़क पर कितने भी फटर हो जाती है तो वो चुकन लई कोई भी साढ़े को साधन ना कोई सरकार को ना ही किसी गौशाला कोल सी। तो वो सारे शहर वासियां दे भरावां दे सहयोग नाल एक बड़ा ही अज खुशी का दिन आया कि गऊ माता दे लई एंबूलेंस ही तैयार की है कि जो कि बहुत वधिया तरीके नाल गऊ माता लई होएगी। क्योंकि अगे तो अं देखते दे कि जिते भी गऊ माता का एक्सीडेंट होंदा ही सवाए उन्हूं मरदे देख तो रही उत्थे कुछ नहीं कर सकते। हुण अहीं सारे शहर वासियां नूं गऊ प्रेमियां नूं भरोसा दवाने कि जिला पठानकोट च किते भी गऊ माता फटर होवेगी, कितने भी गौ माता बीमार होगी, कितने भी गौ माता दुर्दशा होएगी, अं तुहानू अपने हैल्पलाइन फोन नंबर देवांगे। उत्थे कोई भी बंदा फोन करे एक बारी प्लीज़ आपे जाके देख ले कि गौ माता ठीक है, वह चुकन योग है। तो अं सारे शहर वासियों गौ प्रेमियों भरोसा दवाना कि अं विद इन एक घंटे जो गौ माता उतों अं चुकेंगे। तो बंदा इलाज जिते भी होगा सानू डिप्टी डायरेक्टर साहब कोहली साहब ने सानू भरोसा दवाया कि जिहड़ी भी गौ माता जिस तरह की भी होगी उहदा इलाज अं प्रायोरिटी के आधार पर पहल के आधार पर करांगे। इस करके अज इस तो वधिया कोई होर दिन हो ही नहीं सकता गौ माता लई, क्योंकि परसों राधा अष्टमी हुई है तो उसके बाद गौ माता लई एक जी गौ एंबूलेंस जड़ी पई है और एक तो होर शहर वासियों एक होर भी अं भरोसा दवाने कि गौ माता जे कोई असल भी जे डेयरी वाले दुध चो के छड़ देंदे है तो जे अं बाईचांस चुक ली तो उन्होंने तुम आके साढ़े लिए सिफारशा ना पाओ तो वह सिफारशा जीडिया फिर साढ़े लिए परेशानी हो जाएगी सानू गौ माता छड़ने क्योंकि दुध धो के तुम गऊं छड़ देंगे हो। प्लीज़ इस करके अं गौ माता गौ माता कहने तो तुम उन्होंने दुध चो के गऊ गंद खाने लिए उन्होंने छड़ देंगे हो।
तो दूसरी एक होर समस्या डी सी साहब मैं अवगत कराना चाहवागी शहर के साड़ी कोई वड्डी एक्सरे मशीन नहीं हैगी क्यों मरदे देखते तो होर कोई पठानकोट जो इलाज नहीं है जी तो एक प्लीज़ करके गौशाला गौ माता लिए एक वड्डी एक्सरे मशीन जी उपलब्ध कराई जाए और ज़्यादा ना कहते हुए मैं डी सी साहब संयम अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करदा ते गौ सेवा समिति के सारे सदस्य वालों उन्हों का धन्यवाद करदा जय गौ माता जी जय। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. Raghi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali. Aapki kalpanik soch ko utare aakar mein. और आकार सवारे वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट।